हमने भी कुछ गानों को उल्टा किया। गाहुं चमै छे तू झसारे वेसा। तो हम अगर अपने प्रयास से किसी को थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है, इसी को उपलब्धि मान लेते हैं। नेसी में नलज खुआ में नफा तू सायो खे। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं हो सकती, यह मैसेज दिया है राजधानी रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार और कई अवार्डों से सम्मानित विभा झा सर ने। कई जो है पिछले लंबे समय से आप पत्रकार भी हैं और कई अवार्डों से सम्मानित भी हैं, लेकिन आज एक उल्टी जो है उल्टे गाने की जो प्रथा है वो आपसे निकल कर सामने आ रही है। पहली बार ऐसा देखा होगा कि जो उल्टे गाना कैसे गाते हैं, चाहे पुराने गाने हों, नए गाने हों या किसी भी प्रकार के गीत हों, कैसे गाना गाते हैं आपसे ही जानेंगे सर। ये तो क्या था कि हमारे भाई लोग बचपन में जब शादी ब्याह में घर परिवार में प्रोग्राम होता था तो घर में सब भाई लोग बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे जितने बड़े भैया लोग हैं शानदार गायक हैं, तो मैं बजाता था, मेरा नंबर बजाने का ही होता था। 8-10 भाई हैं और सब बढ़िया, तो हमें सबके लिए बजाना है, लेकिन उनको सुन सुन के हमें लगता था कि जब 8-10 घंटे हो गए शादी ब्याह में गाते गाते, तो उस बोरियत को बदलने के लिए भाई में से ही कुछ लोग उल्टा गाना गाने लग जाते थे। तो वो सुन के हमें भी लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा प्रयोग है और मज़ा भी आ रहा है इसमें, तो उन्हीं से सीख करके हमने भी कुछ गानों को उल्टा किया। जैसे एक गाना है चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, एक लाइन सीधा गाता हूँ फिर आप समझेंगे, बहुत अभ्यास से नहीं है, अभी सूझा तुरंत तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। अब इसको उल्टा में सुने। गाहुं चमै छे तू झसा रे वेसा, रफी भी कब मना को रे ते जवा मैं न गा दूं, जवा मैं न गा दूं। गाहुं चमै छे तू झसा रे वेसा। सर कितने दिनों की प्रैक्टिस है, क्योंकि बहुत समय लगता है सर किसी भी गीतकार को। नहीं करते, देखा पत्रकार तो बहुत व्यस्त होता है, और क्या होता है कि हमारे सर पत्रकारिता की परिभाषा बताते समय हमको ये पढ़ाते थे कि पत्रकार कभी खाली नहीं होता, और अगर उसके साथियों को पता चल जाए कि वो खाली है तो लोग उसे खाली रहने नहीं देते, एक के बाद एक काम बोलते हैं कि मतलब मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसी को छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। ये काम कर लेता उसको दूसरे काम भी पकड़ा देते हैं लोग, तो कभी फ्री नहीं हो पाए। लेकिन व्यस्त जीवन के बीच में जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो अपने आप को थोड़ा मनोरंजन करने के लिए हेलमेट के अंदर ही गाना गुनगुनाते रहें, तो ये उस समय का कुछ काम है ये सब जो मस्करा है। आज के समय में सर ट्रेंडिंग में जो है आने के लिए लोग जो है सोशल मीडिया का काफ़ी उपयोग करते हैं, रील्स बनाकर वायरल करते हैं, और आप में तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है सर, अलग अलग तरीके से जो है साहित्य भी हैं, कलाकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, काफ़ी समय से अलग अलग संस्थानों में सेवा भी दे रहे हैं। आज एक और पता चला है कि आप उल्टे गाने गाते नज़र आते हैं सर, तो इसको लेकर कैसे देखते हैं सर? मैं समझता हूँ, देखिए क्या होता है, एक कलाकार ये चाहता है कि अगर उसकी कला से उसके प्रयास से किसी को भी थोड़ा सा अच्छा लगे। आज के समय में कितना तनाव है लोगों के जीवन में, कितनी परेशानियां हैं, अगर उस माहौल में बोलते हैं कि मतलब मुझे साहिर का एक शेर याद आ गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो जी, सुना दूं। जी, बोलते हैं कि ले दे के एक ही नज़र तो है हमारे पास, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम, ये माना कि इस गुलशन को गुलजार न कर सके, कुछ खार यानी कि कांटे कुछ खार ही कम कर गए गुजरे जिधर से हम। तो हम अगर अपने प्रयास से किसी को थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है, इसी को उपलब्धि मान लेते हैं। एक कोई पुराना गीत सर जो काफ़ी आपने एक भी बार ना गाया हो, और आज lalluram.com के खास चैनल में हमारा इंटरव्यू हो रहा है, उस दौरान आप एक गाना ऐसा सुना के। जैसे वो एक गाना है सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, ये सुरेश वाडेकर की गज़ल है फिल्म गमन में, उसी का एक मुखड़ा सुनाता हूँ आपको। सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अब इसे उल्टा सुनिए, गज़ल है। नेसी में नलज
खुआ में न फातू सयोखे, नेसी में न लज खुआ में न फातू सयोखे, या की को इन तबा रजन तिया है मेम हर, नाइया में हर खदे के नरा है सयोखे। तो ये विभाज सर हैं और कितनी सरलता से और कितनी सहजता से सीधे गाने को उल्टी भाषा में किस तरह से गाया जाता है, इन तमाम विषयों के बारे में बताया जाता है। क्योंकि यूँ तो विभाज जो सर हैं छत्तीसगढ़ के सही अलग अलग देशों में भी जाते हैं, अलग अलग राज्यों में भी जाते हैं अपना वक्तव्य देने के लिए। कई सारे अवार्डों से सम्मानित भी हो चुके हैं, जिन्होंने आज lalluram.com से बातचीत की और किस प्रकार से सीधे गाने को उल्टा गाया जाता है इन तमाम विषयों को समझाया। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ नितिन नामदेव, lalluram.com रायपुर।